So, we are looking at lecture 14, that is Newton's third law of motion. What does it say? It says that whenever a body exerts a force on another object, then the second object exerts an equal and opposite force on the first body. Now you can say body object, it's one and the same thing. इसका एग्जाम्पल लिखते हैं, पहले देखते हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है कि वेन एवर अ बॉडी एग्जर्ट्स अ फोर्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट और अनदर बॉडी देन द अदर बॉडी एग्जर्ट्स एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द फर्स्ट बॉडी. लेट्स लुक एट एन एग्जाम्पल. सपोज यू आर सिटिंग ऑन द फ्लोर, सो यू विल एग्जर्ट अ फोर्स ऑन द फ्लोर and that force is your weight. Okay, this is your weight. This is the force which body or you will exert on the floor, and the floor will exert an equal and opposite force on you, which is called as normal reaction. ओके, सो अगर ये ऐसे नहीं होगा, एम जी और आर अगर सेम नहीं होंगे, तो फ्लोर पे आपने चेयर रख दिया, फ्लोर गुस्से में आ गया, उसने ज़्यादा नॉर्मल रिएक्शन एग्जिबिट कर दिया आपके ऊपर, तो यू विल फ्लाई अवे फ्रॉम द फ्लोर. ऐसे होता नहीं है. व्हेन यू सिट ऑन द फ्लोर यू रिमेन ऑन द फ्लोर. दैट इज बिकॉज ये दोनों फोर्सेस जो है ये इक्वल एंड अपोजिट रहते हैं. लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, इस कॉन्सेप्ट में एक प्रॉब्लम है. इसमें प्रॉब्लम ऐसा है कि द एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स विल एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज. इसका मतलब क्या है देखते हैं. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, आर फर्स्ट इक्वल इन मैग्नीट्यूड, सेकेंड एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. देखो एक्शन जो है वेट एम जी, वो एक्ट हो रहा है फ्लोर पे, और रिएक्शन जो है वो एक्ट हो रहा है बॉडी पे. दे एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज दे डू नॉट कैंसिल ईच अदर, दे डू नॉट कैंसल ईच अदर. ऐसा वो कॉन्सेप्ट है. ओके भाई, सो दिस टेक्स केयर ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन. कुछ कुछ बुक्स में इसको ऐसे भी सेंटेंस दिया है सिंपल वाला, टू एवरी एक्शन, ये एवरी है, टू एवरी एक्शन देर इज एंड इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. टू एवरी एक्शन देर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन.
एंड दैट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. बहुत सारे बुक्स में ये दिया है, ठीक है ना. फाइन, सो दैट टेक्स केयर ऑफ दिस लेक्चर.